शांति बनाए रखना कल हम सात पार्लियामेंट्री काउंसिल से गिरिडीह धनबाद रांची जमशेदपुर में पोलिंग है, उसके लेकर सभी पोलिंग पार्टी सभी जगह पार्टिसिपेट हो चुका है। अभी आगे 1-2 हाउस में सभी अपने अपने बूथ में जाकर अपने काम पर शुरू कर लेंगे। अभी इसी चारों पार्लियामेंट्री काउंसिल से मिलेंगे, उसमें 8,963 बूथ्स हैं टोटल, ये सब मिला के ये सबसे ज्यादा संख्या में चारों फेज में सबसे ज्यादा संख्या में वोटर इसी बार करेंगे। इसमें 82,18,000 वोटर्स है ये चारों पार्लियामेंट्री काउंसिल से मिलाकर। इसमें पीडब्ल्यूडी मैनेज बूथ 12 है, यूथ मैनेज बूथ 22 है, यूनिक बूथ है वो 15 है। अदर वो सभी बूथों पर बेसिक फैसिलिटी है, 8,963 बूथ में बेसिक फैसिलिटी सभी बूथों पर इंश्योर किया गया, अशोर मिनिमम फैसिलिटी की बात हो रही है वो सभी बूथों पर रहेगी। आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार का साथ में अपने बूथ में जाएंगे, आपका मताधिकार का प्रयोग करें। इसी बार वोटिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया हुआ है, सभी जगह पर 7 से 5 तक वोटिंग है, इसलिए अपने समय के अनुसार आप बूथ में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करा सकते हैं। यहाँ से भी सभी जगह से भी हम लोग को वोटिंग का स्पीड का मॉनिटर करते रहेंगे यहाँ पर, इसलिए आपका समय कम लगेगा। आपका समय को देखते हुए अपने बूथ में जाएंगे। रांची एरिया में एक बूथ का कितना समय लगेगा, एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ, वो आज रांची शहर में फंक्शनिंग करेगी और अच्छा होगी, मतलब हम लोग आने वाले इलेक्शन में बाकी सारे क्षेत्र में करेंगे, इसलिए वो प्रत्येक पोलिंग पार्टी का स्पेशली आपका वोटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए अलग से ट्रेनिंग दिया गया, इससे हम लोग मतदान का स्पीड अच्छा हो। इसमें कल से कुछ मीडिया पर्सन है पोस्टल बैलेट के बारे में बार बार ये क्वेश्चन उठती जा रही है उसको, एक दूसरा कंटेस्ट में, इसमें केवल मैं आपका पास वो लीगल प्रोविजन में आप लोग को बताना चाहूंगा। इसमें उसी कारण से बाकी जनरल पब्लिक भी पूछने लगा, मेरे पे पोस्टल बैलेट लगा। पोस्टल बैलेट आपका वो नियम बहुत ही क्लियर है, किसका अलाउड करते हैं, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी अलाउड है, ये फर्स्ट कैटेगरी होती है। सेकंड कैटेगरी होती है एब्सेंटी वोटर्स, उसमें सीनियर सिटीजन अबव 85 ऑफ एज, पीडब्ल्यूडी वोटर्स पार्टी को पार्टिसिपेट, फिर एब्सेंटी वोटर्स एसेंशियल सर्विस, एब्सेंटी वोटर्स अफेक्टेड विद COVID-19, ये चार कैटेगरी है इसमें वो एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में आती है। थर्ड कैटेगरी है आपका सर्विस वोटर्स है, बेसिकली मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में बाहर में काम करता उनका उनका स्पाउसेस का साथ में इंडियन मिशन का कंट्री का आउटफिट में काम करता उन्हीं का आगे। फिर उसके बाद आपका स्पेशल वोटर्स करके है, कुछ आइडेंटिफाइड पोस्ट है, केवल 13 पोस्ट आइडेंटिफाइड है, उन्हीं का आपका स्पेशल वोटर्स का कैटेगरी में है। इसी व्यक्ति है आप लोगों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी किसी का भी मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट में करने के लिए आवश्यक नहीं है, उनका केवल अपने बूथ में आना पड़ेगी, वो बूथ में आके ही उनका करना पड़ेगा। आपका ये भी इशू उठती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसका है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी उनका किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन करके रखा, मतलब उनका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, मतलब कन्विक्टेड हो गया, उनका मताधिकार नहीं, इसलिए वो आपका क्लियर है उसमें। आपका वो पोस्टल बैलेट में करने के लिए एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, सेकंड एब्सेंटी वोटर्स, उसमें चार कैटेगरी एबीएससी एबीपीडी एबीएस एबीसीओ करके वो चार सब कैटेगरी है। फिर उसके बाद सर्विस वोटर्स है, वो आपका वो मिलिट्री पैरामिलिट्री सर्विसेज में उनका है। फिर उसके बाद वोटर्स ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन है, आपका कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा उनका। फिर आपका स्पेशल वोटर्स करके उसी कैटेगरी में है, उसमें 13 आइडेंटिफाइड वोटर्स है, उसमें एमपी एमएलए नहीं, इसलिए हम लोगों का इसमें ये कंफ्यूजन कहां पर नहीं रहने के लिए आवश्यक है। कितने सुरक्षा कर्मी लगे हैं हम लोग, नॉर्मली आपका फोर्स कितना लग रही है उसका हम लोग उसका कभी डिस्कस नहीं करता है, परंतु सभी बूथों पर कितना भी क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाइड है सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स दिया हुआ है उसका, उसका साथ में हम लोग नॉर्मल बूथ में भी पैरामिलिट्री फोर्स दिया हुआ है उसका सुरक्षा का देखने के लिए। सभी बूथों पर आपका फोर्स के माध्यम से पोलिंग लोकेशन में हम लोग फोर्स के माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे, साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा हुआ, सोनल मजिस्ट्रेट है, माइक्रो ऑब्जर्व भी है, उसके साथ में हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका सीओ ऑफिस ईओ ऑफिस कमीशन से भी हम लोग उसका मॉनिटर।
कितने कैमरे लगाए गए प्रश्न के लिए? आपका कैमरा लगे मतलब आपका 8963 बूथ में, प्रत्येक बूथ में दो कैमरा लगा हुआ है, उसमें एक एक बूथ का अंदर एक बाहर का है, उसका हम लोग सिचुएशन के यहाँ से मानते हैं। हेली ड्रॉपिंग इस बार की गई है? इसी बार ना तो हेली ड्रॉपिंग है, ना तो P-2 डिस्पैच है, ना तो P+1 आ गया। सभी पोलिंग पार्टी का आज डिस्पैच की गई थी, आपका कल वोटिंग करके कल शाम तक उन लोग सब वापस आ जाएंगे, कहाँ पर भी हेली ड्रॉपिंग नहीं। आपका पोलिंग का है, आपका पोलिंग मेरे के लिए वो PMP में जाएंगे, आपका वो जैप ग्राउंड है, उसे जैप का ऑफिस में किशन रिस्कर्ट स्कूल है, उसका बाहर में एक गवर्नमेंट स्कूल है। कितने बजे जाएंगे? तो दरअसल लेट में जाएंगे, वो भीड़ का देखते हुए जाएंगे, फर्स्ट में जाकर तो लाइन में कराना ही रह पाएंगे मोटा मोटी। लोग सुबह जाएंगे मतलब यहाँ पर बाकी व्यवस्था करके चालू करते हुए जाएंगे, इसलिए इवन में मेरे भी नहीं, मैं ये सभी सीनियर पदाधिकारी के बोला हुआ उसको लाइन में आके साथ मुझे खड़ा नहीं रहना है, पहले आपका पोल का सब जहाँ पर चालू हो जाएगी उसके बाद वो आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चाहिए। अभी इसी बार आपका 5 बजे तक समय है, हम लोग फिर भी मैं मोटा मोटी 12-1 बजे तक परिवार के साथ में करने के लिए किया हुआ, इस बार हम लोग एक फैमिली वोटिंग करके तो बात कर रहा हूँ उसको, इसलिए मेरा अपना मेरा बेटा भी अभी बेटे पर हो गया, इसलिए हम लोग तीनों जाएंगे। इसलिए आप लोग इसी बार दिन भर मतदान है, 7 से 5 बजे तक इसके लिए मतदान दिया हुआ है, इसलिए जो जलपान छोड़कर पार्टी भागे भागे जाने की आवश्यक नहीं पड़ेगी, 7 से 5 बजे तक मतदान है, इसलिए 5 बजे के पहले आप अपने बूथ में चल जाएंगे, हमें आपका मताधिकार प्रयोग करने का पूरा व्यवस्था किया। स्लिप मिल गया ना? वोटर स्लिप वोटर स्लिप है, ये बात उठी है उसी का वोटर स्लिप है, ये इन्विटेशन में दिया हुआ है, बाकी अपने वोटर कैंपेन ऐप में आपका ये एपिक नंबर डाल के चेक कर लीजिए, अपने नाम भी डाल के चेक कर लीजिए, कभी कभी एक कुछ इश्यू सर कहाँ पर आ जा रही है उनके एपिक नंबर से नहीं मिलेगा, मतलब 2014 में कुछ इश्यू हुआ था, एक एपिक नंबर दो दो आदमी का इश्यू हो गया था, उसी कारण से आपका एपिक नंबर अभी नहीं, एपिक नंबर चेक करिए, एपिक नंबर नहीं होता अपना नाम भी चेक कर लीजिए, आपको वोटर कैंपेन ऐप में सब कर दी जाएगी। इसी बार वो वोटर का इन्फॉर्मेशन सूची है, मतलब मतदाता पर्ची है, सूची बहुत ही अच्छा है, जनरल फीलिंग है, फिर भी कुछ भी छूटा हुआ है जो छूटा हुआ है उसका हम लोग उसमें क्या व्यवस्था करना हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, फिर भी इसी बार डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होगा। स्पेशल बूथ पर भी विजिट करने का प्रोग्राम? देखिए फील्ड में हम लोग का डायरेक्शन क्लियर है, हम लोग एक बूथ में जाएंगे, मतलब एक बूथ देख पाएंगे हम लोग, यहाँ मुख्यालय में रह के कंट्रोल में रहेंगे, कौन सा बूथ देखना उसी बूथ का देखेंगे, इसलिए इसी बार हम लोग का वेबकास्टिंग आवश्यक, कोई भी बूथ चाहिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए व्यवस्था कर लिया गया, इसलिए प्रत्येक बूथ जाकर देखने के लिए अभी आवश्यक नहीं, इवन हम लोग को DO का भी इंस्ट्रक्शन करता हूँ, आप कंट्रोल रूम में रह के प्रत्येक बूथ का देखने के लिए आपके पास व्यवस्था है, इसलिए आपका कंट्रोल रूम में रह के सभी बूथों का देख सकता हूँ उसमें, साथ में आपका फील्ड में प्रत्येक बूथ का मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर ऑफिसर है, उसके ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट है, इसमें कोई भी जाएंगे मतलब उनका ऑलरेडी फिट अप सेटअप दिया हुआ है, इसलिए व्यक्तिगत तो वो जाने की आवश्यक नहीं पड़ेगी, साथ को पता डीओ फील्ड में नहीं जाएंगे, उनका इंस्ट्रक्शन है उस कंट्रोल रूम में रह के करना है, वो केवल अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाता है, अनलेस अदरवाइज कहाँ पर भी थोड़ा बड़ा इशू होगी, नॉर्मली जाकर में ऐसा इशू नहीं होगी, इसलिए हम लोग अपने वो कंट्रोल रूम में बैठ के ही वो पूरा मॉनिटरिंग करना, बाकी उनका SGO है, EC है, वहाँ पर BDO CO है, सब वेरियस पोस्ट में इलेक्शन मशीन में देखेंगे, कहां पर भी ये समस्या हुई वहां पर नोटिस किया हुआ है उसको, हम लोग को कल एक नोटिस किया था बोकारो स्टील को, उनका छुट्टी का अभी पालन नहीं किया करके, उसके बाद वो अपनी छुट्टी का रिवाइज कर दिया, रिवाइज करके अपने इश्यू कर दिया, फिर उसके बाद अभी वो BCCL का नोटिस किया हुआ आपका DO धनबाद के माध्यम से भेजा हुआ उसको, बाकी कहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम आपको चेक कर रहा, कोई भी संस्था हो आपका अपने कर्मचारी का पेड हॉलिडे देना है वो आपका Section 133B में ये मैंडेटरी है, ये उसका आपका ऑप्शन नहीं, अनलेस अदरवाइज आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस में है, नहीं मतलब बहुत सब्सटेंशियल लॉसेस हो जाती है वहां पर आप छुट्टी नहीं दे सकते, छुट्टी देने का कंपल्सरी नहीं, परंतु उनका मताधिकार प्रयोग करने के लिए आपका व्यवस्था करते हुए अपने बूथ तक जाने के लिए उनका व्यवस्था करनी,
इसलिए इसमें कहाँ पर हम लोग वायलेशन हो रही है उसका मॉनिटरिंग कर रहा है उसको, जिससे कोई कंपनी में दिक्कत होती है मतलब हम लोग उसको प्रकार देते हैं, जिससे कहाँ नोटिस मारे हम लोग वहाँ पर बात करते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू।